वो साड़ी वाली औरत हो, मरने निकली है क्या? मैं मरना चाहती हूँ। तो मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। इस रोड पे और भी तो कितनी सारी गाड़ी है, वहाँ जाके मरो ना। पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा दिखता ना सारा दिन खराब हो जाता है, उल्टे सीधे लोग ही मिलते रहते। वो देखो एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है, वहाँ जाके मरो। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो, ऐसे भागो, चल बे। ये क्या कहती है वो? तो सचमुच जा रही है। हाँ तो जाने देना, मरने दो उसको। अरे ये मरेगी तो हम लोग जिम्मेदार होंगे ना। वो कैसे बे? अरे यार तुम्हारी ये हादसा होते हुए कौन देख रहा है? हम दोनों। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? और ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा मेरा। जाओ रोको उससे, जाओ। अरे मैं लंदन क्यों आया? वो विधवा औरत हो, वो विधवा पागल हो गई है। ओए खुदकुशी करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आए हो तुम? आधी रात को पत्नी से झगड़ा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे घर में जाकर झगड़ा करो, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं। तेरे को इससे क्या मतलब है? तू निकल यहाँ से, चल गाड़ी निकल यहाँ से। हट हट हट, छोड़ो। क्यों? मरने के लिए? लेकिन हमारे सामने नहीं मरना, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने का। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। चल बे गुल्लू, टैक्सी निकल। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा? इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? तो मैं क्या करूं? जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मर्डर के केस में तुम्हें हो जाएगी फांसी और मुझे हो जाएगी सजा। तो मैंने थोड़ी मर्डर किया इसका, पागल है क्या? अरे तुझे और इसे झगड़ा करते हुए किसने देखा है? वो गाड़ी वाले ने। वो जाके कोर्ट में बोल देगा तो फिर तो क्या करे? बताना बोने। अरे एक मिनट यार भाई, कोई देख लेगा बताना। ये तेरे को चलेगी क्या? अबे तू पागल तो नहीं है? मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तू लड़कियाँ सप्लाई करने की बात कर रहा है मेरे साथ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तुझे नाटक में हीरोइन की जरूरत है ना, ये ठीक है क्या? ये हाँ, ये आत्महत्या की दुकान। हाँ। अबे पागल है, अगर चालू शो में आत्महत्या कर बैठी तो लोग सीटें जला देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, और सेठ जी तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सोच ले। तुझे हीरोइन की जरूरत है और ये आत्महत्या करने जा रही है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। क्योंकि टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ तो इसको पैसे पैसे की प्रॉब्लम होगी तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी। और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। ये सोच भाई भाई भाई, डिसीजन ले डिसीजन ले। अपने को लगता है ऊपर वाले ने सही मौके से इसको भेजा है। अगर इसने मना कर दिया तो? हाँ तो जाते लेने, इसे ही छोड़ देंगे, हमसे क्या लेना देना? तो हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं, इसको बोलेंगे चली जाए यहाँ से। चली जाए, पक्की बात? पक्की बात, ठीक है ठीक है। चल चलो उठा उठा उठा, तो इसकी साड़ी पकड़, मैं इसका ब्लाउज पकड़। उठा 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 उठा। अरे भाई बड़े खाए पिए खानदान की लगती है। तुझे कैसे पता बे? अरे भाई वजन देख के नहीं लगता है। इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। वाकई में कितना वजन है इसका। अबे क्या पड़ोसियों के बच्चे खाती है ये। अबे मेरे हाथ पे बिठा दिया। अरे ये क्या? अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया वो बेवड़ा? कहाँ गया वो बेवड़ा? अरे इस उथल पथल में कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया? चल मरने दे, अपने हो गया, चल चल। अरे इसकी अब नीचे क्या देखा? पहिए क्या कीड़ा है क्या वो? चल। आइए आइए, प्लीज प्लीज कम। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, वो बंटी मर गया क्या? नहीं, हीरोइन लेकर आया है। I want you to know, 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 we're together, together. Sing and dance and let the feeling grow. I want you to know. चलिए हटिए हटिए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए। टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए आइए, यहाँ वहाँ मत देखिए, आइए 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 आइए। ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और आप? मैं तहखाने में रहूंगा। Are you sure? Yeah, yeah, sure, 100%। मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए। और ये जो है, आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए। ओके, किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज। हटिए हटिए, मुझे याद करना ठीक है, मुझे बुलाना। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या बात है, अरे हीरोइन है हमारी। इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए मुंह उठा के चल पड़े। हाथ ला, मान गया ये लड़की चलेगी, हीरोइन के लिए चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहाँ से उठा के लाया? उठा के नहीं ला, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया रूपा। तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों, कमाल है, तेरा खानदान बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा? चलना। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरो ना तो। आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी, मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किस चीज से बात नहीं करेगी। सेठ जी, आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना। ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है? मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी? सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी, कभी आपने सुना है कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना है? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी, आप फैसला करिए, आप फैसला करिए। हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोला भाई? मैं बोलता हूँ कि तेरे को विलन बनने में जाता क्या है यार? दो फाइट से नहीं, इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुआ है मैं हीरो रहा हूँ ना। तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्कल शक्ल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल, अभी तो विलन बनेगा कि नहीं? टाइम वेस्ट मत कर, तो विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, वो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई, ओके बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना। क्या ये दो अंशों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर के नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है? मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। चल अंदर जा, अंदर जा। देखो जरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। शुशु किया? अबे शुशु किया? क्या कर रहा है? अबे तू इधर है तो और किधर रहूंगा? नहीं, अंदर कोई और शुशु कर रहा है। मैं छापता हूं, अबे क्या रूम में छापता है? पूरी के रूम में साट पागल हो गया है। अबे हाथ, अबे तेरी तो जैकेट से बहुत निकली है। मैंने राजा छोड़ी है, दिखाता है तो छोड़ सच्ची सच्ची। याद भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, याद भी नहीं चाहिए मुझे। बहुत गंदे घर में साथ पी के जादू क्या कर रहा था? मुन्नी को देख रहा था छाप के, सोई मुन्नी को छेड़ रहा था। बाबला, अबे तुम लोग छोड़ो छोड़ो यार। सेठी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। मेरे को ढूंढ रहा था? उसके रूम में क्यों ढूंढ रहा था? अरे मुझे ढूंढ रहा था, संडास में ढूंढता। तू संडास में सोता है? सेठ जी, संडास में नहीं सो रहा था। ये इसको पूछो, ये मुन्नी के रूम में झांक के देख रहा था कि नहीं, पूछो इसको। तू मुन्नी के रूम में झांक रहा था बाबला? अब क्या फफला गया, अभी फफला गया। क्यों झांक रहा था? मैं इसलिए झांक रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अंदर कौन है। हाँ? अंदर कौन होगा सेठ जी, अंदर कौन होगा? अंदर तो बेचारी मुन्नी थी, सो रही थी, खलाटे मारी थी। बेचारी मुन्नी संडास से देख रहा था तू बेचारी मुन्नी को। बेचारी मुन्नी को छोड़ो ना यार, बोलने दो। सुन, अंदर से आवाज आ रही थी, एक मर्द की आवाज आ रही थी। हाँ? मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी, सेठ जी कितना गंदा आदमी है, अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। सेठ जी पूछो इसको, कितना झूठ बोलता है। तू राम के भगत, एक मिनट ठहर। सेठ जी, सब लफड़ा खत्म करो, दरवाजा खोल के देखो इसका। लड़की का नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं सेठ जी, आप नहीं देखोगे। पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं। सेठ जी उसने पत्नी वाली नहीं। मैं देखता हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं देखूँगा। मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुन्नी मुन्नी अंदर कोई है? कोई नहीं है सेठ जी। ओके ठीक है, तुम सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। ऐसे कैसे गुड नाइट? एक मिनट ठहरिए, अंदर देखा किसी ने? मुन्ने किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं बाबला। देख मैंने देखो किसी से बात करते हुए सुना है। ओ वो तो मैं अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। आप लोगों ने ही तो कहा था कि आपको सुबह तक रेडी चाहिए। क्या हुआ? बाबला शर्म नहीं आती तुझे? जा जाकर लड़की से माफी मांग। अबे माफी मांग, इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई सेठ जी, इसको सजा दो, इसको सजा दो सेठ जी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ। सजा? कैसे सजा? क्यों भूल गया? भूल गया जब मैंने अंजलि को गलती से छेड़ दिया था तो आप लोगों ने मुझे धोबी बनाया था। भूल गया सेठ जी, याद दिला उसको। अगर ये इसको सजा नहीं मिलेगी नहीं तो मैं, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं मुन्नी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, समझे? नहीं नहीं। हाँ हाँ ये ठीक कह रहा है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। और क्या मुसीबत! तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा। तू खुश? हाँ अभी के लिए ठीक है, लेकिन आगे की सजा मैं बाद में सुनाऊंगा। सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। सुनो सुनो सुनो, कोई भी उस रूम के नजदीक नहीं जाएगा, समझे ना? कोई भी नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तू रात को चौकीदार बन के वहाँ बाहर खड़ा रहे। चमगादड़ साले, अंदर जागते रहते हो, जीना हराम कर दिया है। क्या देख रही हो? चलती हुई आग कितनी खूबसूरत लगती है ना। अच्छा समा जाओ उसमें, खा लो उसे। आग अच्छी लग रही है, एक्स्ट्रा जवान हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आग मुझे खा जाए, फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी। राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में, आजाद पंछी की तरह। चाय बनाओ सीधे सीधे, दोबारा जाओ। डरा रही है साली। बंटी बेटे चाय पी ली, अब शुरू करूं मैं? अभी गन की रिहर्सल करेंगे, ठीक है? चलो भाई। हाँ सेठ जी तंबोरा बजाइए। क्या हुआ सेठ जी? रेडी रेडी, इधर ध्यान दो। हाँ सेठ जी गला फाड़िए। क्या हुआ? ऐसा नाक चपटा करके क्यों खड़ा है? अंदर आना। Shut up, you rat! गुरु तोड़ दो साले की टांग! Come on, tigers! टीकू कहाँ गया? सेठ जी वहाँ देखो, सेठ जी वहां देखो। क्या हुआ? लास्ट टॉयलेट कर रही बाथरूम, क्या बाथरूम में? निशा को, निशा को देख, निशा निशा बाथरूम में टॉयलेट कर रही है अंदर। देख अरे मैंने देखा था। ठीक ना बोलो किधर? गुल्लू बोल रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर। हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो हरामखोर बंटी कहाँ है। आप फटाफट ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाओ और सुनिए मेरी टैक्सी लेते आना प्लीज। हाँ कौन मालिक बोल रहे हैं? साले तेरी टैक्सी मिल गई, तू ब्राइटन स्टेशन पर पहुंच, अपनी टैक्सी ले फटाफट, फूट यहाँ से। एक बार तेरी टैक्सी दे दूं ना, उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए बंद। तेरी माँ का नाका। अब कहाँ जाएगी? कहाँ भाग रही है? मरने का नाटक करती है और हमको बेवकूफ बनाती है। हाँ अपने पति को मारा तूने और इल्जाम हम पर लगाया। मैंने किसी का खून नहीं किया। अच्छा तो क्या वो खून मैंने किया? हाँ झूठ बोलती है साली। अगर तूने वो खून नहीं किया तो उसने भागी क्यों थिएटर से? मैं तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बताने आई थी। कौन सा सच बताने आई थी? मेरा नाम मुन्नी नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूँ तेरा नाम मुन्नी नहीं है। तेरा नाम तो? मेरा नाम निशा भी नहीं है और ना ही विक्रम चौहान मेरा पति है। तो उसने जलकर मरा कौन? निशा चौहान, विक्रम चौहान की असली पत्नी। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनो तुम्हारा? तुम्हें सुनना ही होगा और उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर लो।